तो फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं पाली लियो को छोड़ने। लियो जो कि लैब्राडोर है और हॉस्टल पर प्लस ट्रेनिंग पर आया था। तो फ्रेंड्स अब लियो को ले लिया है और इसे नला भी दिया गया है। वहां जाके देखते हैं क्या सीखा, कैसे सीखा, कितना है, क्या कैसा रहा। लियो यही 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 बस। ये हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट का हाईवे है अभी जोधपुर। यहाँ से पाली की तरफ लेफ्ट साइड में जाने से आ जाएगा। ये हाईवे पर खुला हुआ है डी मार्ट। जोधपुर भी अब काफी बड़ा हो गया है। अपने हाथ से किया हुआ अच्छा कर्म बहुत खुशी देता है। रास्ते में हमें गौशाला मिली तो हमने हमारे बजट के अनुसार जितना भी बन सका उतना सबको दिया और फिर आगे चल चले। तो फ्रेंड्स अब आ गए हैं रोहित। रोहित में सबसे ज्यादा मोगर की कचौरी फेमस है दोस्तों, और मैं आपको बताता हूँ वो कहाँ पर है। ये राइट हैंड साइड में आप थोड़ी सी भीड़ देख सकते हैं जहाँ गाड़ियां बहुत सारी खड़ी है। इस तरफ उस तरफ दोनों इसीलिए खड़े हैं क्योंकि वो सामने गए हैं सारे के सारे। ये देखो पैकेट्स लेके आ रहे हैं, वो सामने सामने दिख रहा है आपको। हम लोग वापस आते समय खाएंगे। राजस्थान लिखोगे तो भी फेमस है, आपको YouTube सब जगह दिखा देगा। ओम बना बहुत ही फेमस जगह है, आने जाने वाले सारे यात्री यहाँ से दर्शन का लुक उठाते हुए निकलते हैं। बहुत बार यहाँ मेला सा लगा रहता है और ओम बना को यहाँ ज्यादातर दारू भी चढ़ाते हैं। गांव के बहुत सारे व्यक्ति यहाँ लाके दारू चढ़ाएंगे उनको और उनके प्रसाद को वो फिर पियेंगे। जय ओम। कौन सा घर था, घर भूल गया तेरा है? बाहर जा। इसको छोड़ दे, सीधा अंदर भागेगा पहले तो। रुको 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 रुक जा। देखो पूरा पूरा देखने जा रहा है, स्मेल वगैरह कर रहा है। ये अब मुझे ये बताओ कि आज मिलने में क्या फर्क लगा आप दोनों को? कुछ फर्क आया मिलने में? क्या माता नहीं लगके? हाँ, माता नहीं लगके बराबर। देखो अब अगर माता लगके तो नो बोलना। और वो है भगवान भगवान लागो अब कटे करेक्ट करेक्ट। अब वो चीज रो सॉल्यूशन हो गया। बारे भी है तो एक तो भागे भागे लाना हटा तेरी करा दी। देखो बस वो डर गयो, दूर दूर हट जाए अपना। आजी कम यार, बच्चा इन्हें परेशान कर दिया। लेकिन वो देखो वो नहीं है। कम यार इधर इधर इधर, वापस नहीं जा रहे। लियो कम, ये देखो कम तो। और यूँ हाथ नीचे करो तो पांच मान प्यार करा। यू ना सुनो मुटड़ो। बाकी बहुत अच्छा ही बच्चा था, ऐसा बदमाश इस टाइप का नहीं था। और अब कुछ क्या गिरा, कुछ तो टूटा।
हाँ नहीं ये शायद ये टूटा ये हाँ वो खुला क्या बोलते हैं लग जाएगी कम यार हाँ मोटा था यार मैं भैया को बोला यार हम पतला करना चाह रहे थे लेकिन गलती से मोटा हो गया हाँ मोटा तो हो गया बाकी अब ये भागेगा नहीं आपको इसके पीछे नहीं जाना जब भी आपको फ्लैट वगैरह कराना ना गेट खोल देना अपना खोला जाएगा कर करा के वापस भी आ जाएगा जैसे अभी आ रहा ना पहले तो गेट खोलने पर वापस नहीं आता था अब देखो ये कितनी बार वापस बाहर जाके आ जा रहा है अपने आप आ जाएगा वैसा नहीं और जहाँ भी अपने को जाना अगर बाहर इसको लेके घूमना चाह रहे हो और चाहते हो बिना बेल्ट ही घूम ले तो कैसे घूमते आप थोड़ा सा आओ तो मैं दिखाता हूँ कम यार मेरे पास आ गया अब यहाँ तो और नो बोलना है नो बोलते समय एक चीज है जब अपन इसको कुछ भी बोलते हैं ना तो उसको टच नहीं करना है एक हाथ से प्यार कर रहा है दूसरे हाथ से मना कर रहा है तो मानेगा नहीं ठीक है और ये तो को वेट कर आपको हेल्प करने नहीं जानी है हेल्प करने अपन जाएंगे ना तो डॉग इसको तो मारेंगे सो मारेंगे लेकिन फिर अपन इसको बाहर वापस छोड़ना बंद कर देंगे क्योंकि ये एक बार डर के भाग गया फिर बहुत दूर तक चला जाएगा फिर अपन तो पीछे इतना भाग नहीं सकेंगे इसलिए आपके इसको पीछे नहीं जाना है अगर ये बहुत ज्यादा आपके भूल के हाँ जा कहाँ जा सकता है अभी तो नहीं जा रहा नहीं हाँ सुसु वगैरह वो तो कर लेगा वो अपने आप यहाँ वहाँ वो जो भी करना कर करा के आ जाएगा डॉग से भी कोई डॉग इसको बाइक करेगा तो बच के ना अपने पास आ जाएगा अब वो नहीं है कि हर डॉग को देख के उसके ऊपर जाना ही जाना है सामने वाला डॉग मना करेगा इसको वो समझ आ जाएगा कि वो मना कर रहा है अब नहीं जाऊंगा तो वापस आ जाएगा ऐसा है यहाँ मैं मैम से डिस्कस कर रहा था और क्या क्या चीज़ में सुधार आया है कैसा है क्या है वो भी बता रहे थे पर इसने फास्ट फॉरवर्डिंग में बनाया तो वीडियो लैंडस्केप में बनाया इसलिए वो बिल्कुल साउंड नहीं आ रहा है तो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या हुआ तो मैं आपको बताता हूँ वहाँ हम लोगों ने क्या बात की मैंने उनको ये बताया कि पहले ये गेट खुला रहता था तो बाहर भाग जाता था अब ऐसा नहीं हो रहा थक के अपने आप आके बैठ जा रहा है दूसरा ये जो ओवर एक्साइटमेंट है वो ज़्यादा प्यार करने की वजह से बढ़ता है तो आप ज़्यादा प्यार फालतू का प्यार या एक्स्ट्रा प्यार ना करें तीसरा ये देखो बाहर एक व्यक्ति जा रहा है कोई भी जाता था तो ये उसके पीछे भाग जाता था अब ये ऐसा नहीं कर रहा खाली देखा है और यहीं पर रुका हुआ है और अगर ये बाहर चला भी जाता है तो कम ईयर बोलने पर पास में आ जाएगा और इसे प्यार करके छोड़ दो इस एरिया में खुला रख सकते हो गेट बंद रहेगा तो ये कोई अननोन आएगा तो भौंकेगा भी और बाकी तो मैंने सारी चीज़ें उनको समझा दी कि आगे खाना कैसे देना है क्या है कैसा करना है वो सारी इन्फॉर्मेशन देख के फिर हम लोग वहाँ से निकल पड़े अब ओनर के फीडबैक में कम से कम एक दो दिन तो टाइम लगेगा उसके बाद जब फीडबैक आएगा तो मैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा ये इंडियन ब्रीड है ये इसका प्रोटेक्शन करता है मैम बता रहे थे ये इसका फ्रेंड ही है ये इसके साथ चला जाता तो वापस आता ही नहीं था लेकिन अब ऐसा नहीं है वो आके भी चला गया फिर भी ये आ गया एक बार बुलाने पर मैम के पास आ जाता है प्यार कराता है ये 29 डेज़ की ट्रेनिंग थी जो कि बिहेवियर ट्रेनिंग अकॉर्डिंग था बच्चा सीधा ही था गुस्सेल वगैरह नहीं था इसे सिर्फ ये समझाना था एक तो घर से भागे ना थोड़ा ओवर एक्साइटमेंट कम रहे और चीज़ों का नुकसान ना करे गेट खुला रहे तो भी बाहर ना चले जाए और किसी के भी साथ ना निकल जाए डॉग्स के पास जाने के बाद आता ही नहीं था वापस बड़ी मुश्किल से पकड़ के लाना था पर अब ये डॉग्स के साथ इतना रह के फ्रेंडलियर हो गया कि अब वो इतना नहीं रहा और डेली रूट में ये जब बाहर निकलेगा इनसे मिल लेगा खेल लेगा और उनके साथ वापस आ जाएगा तब ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी गेट खुला भी रहेगा तो ये ज़्यादा दूर नहीं जाएगा घर के आसपास रह के वापस आ जाएगा ये सब समझाने के बाद हम आ गए हैं अब देखते हैं एक दो दिन बाद में क्या फीडबैक आता है फीडबैक भी आपके साथ शेयर जरूर करेंगे फ्रेंड्स अब हॉस्टल का कार्यक्रम स्टार्ट होता है सबसे पहले सबको छोड़ा जा रहा है आज दो तीन डॉग चले गए हैं एक लियो जो किसको हम छोड़ के आए हैं पाली और एक बीगल जो कि हॉस्टल पर था और एक लैब्राडोर जो कि सिम्बा वो भी हॉस्टल पर था दो तीन दिन या ऐसे दिन में हॉस्टल थे उनके जो कि अब ओवर हो गए और इसका तो 10 डेज है क्रिश लैब्राडोर और शायद 22 तारीख यानी कि कल नहीं परसों हमें इसे छोड़ने जाना है
बाड़मेर, नहीं सॉरी बाड़मेर, हाँ राइट बाड़मेर, हाँ बबूड़ी नो। जब डॉग्स कम रहते हैं तो ये आसानी से खेल कूद सकते हैं, भाग कर एक दूसरे का पीछा ये भी कर सकते हैं, नहीं तो ये भागने वाला प्रोग्राम हम अगर होता भी है तो कैंसिल कर देते बीच में रोक कर। क्यों? क्योंकि भागते समय ये पीछे से झपका ही मारेगा बाइट के लिए, इसे अभी नहीं छोड़ सकते। और जूही को देखो कितना होशियार है, उसके पास जाता ही नहीं है, उस जानबूझ के वहां से दूरी से ही निकलेगा हमेशा, क्योंकि जूही को पता है कि भाई मैं रिस्क में हूँ, इसके ऊपर निगाहें हैं इसकी, जूही ये बात समझता है। और ये इसके साथ आराम से खेल लेता है, इसे हम इनके साथ छोड़ते भी है, फुल मस्तियाँ करते हैं, मैं आपको वो शॉट में बना के दिखाऊंगा। पूरा गीला कर दिया इसको एक में इसने। आज चाहें तो फीमेल डॉग्स को छोड़ सकते हैं, पर यही है कि फीमेल्स के चक्रों में फिर ये खुल गया, दबा दे बस। ये देखो क्या हुआ, चैन के साथ उखेड़ के आ गया। हाँ खेचला पीछे खेचला, यहीं बांध दे, इस वाले में बांध दे। पावर देख रहे हो इसकी, कड़ी तोड़ दी इसने, पास में ला और उस वाली कड़ी से बांध दे। ऐसे नहीं बंधेगा, बांधेगा कैसे ऐसे फिर? अरे गांठ नहीं लगेगी, खुल जाएगी भाई, चैन पर गांठ कैसे बांधेगा। चलो कर तू तेरे हिसाब से जो भी कर सकता है। देखो ये इसकी खुशी, देखो इसकी तो खुशी कोई अंत ही नहीं है। अभी प्यार नहीं करूंगा, मारूंगा मैं तेरे को। अब इसका हॉस्टल पूरा हो जाएगा, ये करीब करीब 2 मंथ्स के आसपास हमारे पास रह चुका है। विस्की को कम से कम 1 ईयर से भी ऊपर हो गया है, जूही को 2 ईयर्स के आसपास का होने को है। कॉल आ गया पाली से। अरे ये क्या कर रहा है, मैं पहले ही बोला था तेरे से ये ऐसे नहीं रहेगा। हाँ अरे चैन पड़ी नहीं, हाथ बांधा नहीं यार, खड़ी हूँ। आज हमने दिया है प्लेन डॉग फूड, जो पानी में डिप किया हुआ है, और सारे डॉग्स आराम से खा रहे हैं। आज दो इधर, इन दोनों को कुछ इससे ज्यादा पसंद नहीं आया है, उसके लिए फूड भी ले जाओ। बाकी सब के साथ रियो को गुस्सा देखा था आपने, दांत ऐसा दिखा था, पास में कोई भी आएगा ना अब की बार आएगा जब मैं आपको रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ, देखना क्या करता है। ये बाहर चला गया, तू क्या बाहर खाना ले जाने के लिए भेजा था, तू क्या वापस मस्ती करके आया? नहीं वो बांध रहा है इसलिए। चल अंदर चलो, फटाफट लेके जा, बाहर ही देते, चलो दूर दूर रखना। खाना खाओ आज सब तबीयत से आराम से सिस्टमेटिक खाना खा रहे हैं। सिर्फ एक वही था जो हर किसी की प्याले में मारता था और बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग वगैरह वगैरह थी, लेकिन अब इसमें थोड़ा सुधार आया है उस मामले में। नो डाउट लेब्राडोर है तो थोड़ा सा खाने में तेज तो रहेगा ही, जो कि सारे लेब्राडोर रहते हैं, पर हमारा कोको नहीं है इस मामले में। हाँ इस मामले में कोको को आप बीट नहीं कर सकते, नहीं काउंट कर सकते, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये खाने में बहुत अच्छा है, लेकिन इसे आज डॉग फूड अच्छा नहीं लग रहा है, वो की पानी में डिप किया हुआ है इसलिए। हाँ चिंके, अब थोड़े डॉग्स कम हो गए तो अब हम फीमेल डॉग्स को भी छोड़ सकते हैं, तो कल से या परसों से हम लोग उसे भी छोड़ना स्टार्ट कर देंगे, सब डॉग्स को साथ में मिला देंगे, मेल फीमेल, इनको भी अच्छा लगेगा। और खाना खा रहा है, नो बोल के इसको हटाया और खाना डाला, और इसने डालने दिया नहीं तो फिर ये हर किसी पर खाने के समय हमला कर देता है, रॉट की आदत होती है वैसे नॉर्मल। हाँ चलो उधर चलो चलो, ऐसा इसको कल ऐसा कर रहा था तो ये मेरे पर ही आ रहा था, आज देख लो ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं कर रहा है, इसे एक्चुअली उस तरफ जाके खाना है और कुछ नहीं है। सैम भी काफी समझदार तो है, पर ये सैम अपने घर की तरफ वहां खुला ही रहता है, इसलिए कुछ आदतें इस टाइप की बिगड़ी हुई है, क्योंकि उन्होंने ट्राई किया लेकिन वो हुआ नहीं, उस वजह से ये बहुत गलत सीख गया और उस चीजों की तकलीफ आ रही है। ये सब वेट कर रहे हैं बाहर जाने का, मैं खाना तो खा लो रे तुम। ये लो कोको तो यही सुसु करना स्टार्ट कर दिया है, उसका फिनिश हुआ नहीं फूड तो कैसे भेजे, फिर वो खाना भी छोड़ देगा आर्यन, इसलिए अभी नहीं भेज सकते। जूही को देख रहे हो, ढूंढ रहा है, अभी इसे फ्रेश करना है। ले जूही इधर आ, खोलना ही पड़ेगा, 2-4 प्याले बाहर ला लो तुम। इसने एक चैन तो तोड़ दिया अभी अभी ना, देखा ये रॉड से बिल्कुल नहीं डरता है, मैंने मैम को कल ही बताया था, देखो उसका खाना खा रहा है, और ये रॉड सिर्फ इससे और इससे घबराता है, बस इन दो से थोड़ा सा घबराता है,
बाकी किससे भी नहीं डरता है और इन दो को छोड़ के किसी पर भी हमला भी करना चाहे तो कर सकता है। इनके ऊपर ये खुद चला के हमला नहीं करेगा, इतना पक्का है। अब देख लो ये खाना भी इसका ये छीन के खा रहा है, जबकि ये छीनने देता नहीं है। इसे हम और बाद में डाल देंगे, टेंशन नहीं है। बाकी फूड बाहर आ गया, अब लोग ये बाहर फूड खा रहे हैं, जिन जिन को भी खाना है। वैसे आज इनके लिए रख दे थोड़ा, वहाँ रख, हाँ बस रख दे इधर, इतना पास में बहुत ज़्यादा है तो नहीं रख दिया, पास ज़्यादा था, कोई बात नहीं। तो ये था आज का अपडेट फ्रेंड्स, मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ, और हमें बताना लियो का कैसा लगा आप लोगों को। हाँ चिंकी चौप।